हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। अभी बज रहे करीबन 10 और मैं जा रहा हूँ शॉप पे और तैयार हो गया, नहा लिया, नाश्ता हो गया है और शिवा देखो यहाँ पे घूम रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो शिवा भी उठ गया अभी थोड़ी देर पहले और ये अपना दंगा मस्ती में लग गया है। और ये कहाँ पर है ये? अच्छा, ये बाथरूम में। और शिवा तो करने लग गया दंगा मस्ती, बाहर का मौसम हो रहा है धूप वाला। अब वैसे गर्मी हो ही गई है फिलहाल। शिवू ठीक हो आप? क्या तो ये आ गई, अब पीए कर रही है, बिस्तर बिस्तर साफ, घर का काम करेगी। तो मैं चलता हूँ, बाय बाय, शॉप पे जा रहा हूँ, बाय बाय। क्या हो रहा है? कहाँ है बोतल? कहाँ है दूध की बोतल? ना बैठ के नीचे फेंक दी। और ये गीले गीले से बाल रहे थे ना, तो सिंदूर ना थोड़ा वैसा सा हो गया, तो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा बाद में, थोड़ी देर बाद। और ये देखो, ये मैंने कहा बोतल का, दूध की बोतल फेंकी और वाली बोतल उठा रहा और सागर चले गए हैं फिर से अपने काम धंधे पर, लगता है रोज के बाद। तो सीधा आज ना मैं काम के बाद में लूंगी डायरेक्ट। बाहर आओ, पानी में बिठाया हुआ मैंने छोटा में, और आ नहीं रहा बाहर। बाहर आओ, देखो देख ही नहीं रहा मेरी तरफ। बाहर आओ, नहीं सारे काम हो ही गए हैं अब तो। अब है सिर्फ खाना बनाने का काम, सीओ को बना दिया वो छत पे ताई जी के साथ, और मैंने काटी हुई है कद्दू की सब्जी, ये इसको धो रही हूँ, फिर फटाफट सब्जी चढ़ा देती हूँ। सिवा तो सिवा के ना मजे से आ रहे छत पे ना, ताई जी के साथ तो रह लेता है वो, तो इसलिए मैंने सोचा मैं फटाफट से ना काम कर लेती हूँ। तो अभी बज रहा है ठीक 12 और सब्जी मैंने रख दी है, चावल थोड़े से चावल बनाऊंगी कद्दू की सब्जी के साथ ना, मेरे को चावल अच्छे लगते हैं। सागर तो नहीं खाएंगे वैसे, उनके लिए रोटी बना लूँगी। और मैं पी रही हूँ अब पानी, और सिवा छत पे ही है, जाती हूँ ऊपर, 15 मिनट हो गए मुझे। तो मैंने और शिवा ने खा लिया है खाना, तो कद्दू की सब्जी चावल मुझे अच्छे लगते हैं तो मैंने खा लिया है, और कद्दू पड़ी भी है इसको, और मैंने पानी सुखाना है अभी सागर के लिए, क्योंकि रोटी के साथ खाएंगे थोड़ा, इनको सूखी सूखी पसंद है थोड़ा। मैं तो मेरे तो यही काम रहता है इसके, देखिए कैसे खेल रहा है। मैंने अभी तक वीडियो बनाई लेकिन वीडियो सूट ही नहीं हुआ, कभी कभी दिमाग खराब जाता है। तो सागर ने ये लेके आ रखा है, पौने आ गए हैं और एक टावर लेके आए हैं अपना दुकान का, बहुत गंदा, पता वीडियो सूट ही नहीं हुई जो बनाई। अब मेरे को बोलेंगे तू जल्दीबाजी करती है, उसमें नहीं हुआ तो मैं रोटी बनाती हूँ। तो शिवा तो लगा पड़ा अपना दंगा मस्ती में और ये बना रही है रोटी। हाँ क्या खाने में क्या बना रखा? कद्दू की सब्जी, खट्टा मीठा? मीठा। अच्छा ठीक है, तो लग गया खाना, अब खाते हैं। बेकार है आजकल कद्दू लाना, ये बता रही मैं आजकल ना वैसा कद्दू आता है लास्ट लास्ट वाला। तो लग गया खाना, खाते हैं अब कद्दू की सब्जी रोटी। अभी देखो कैसे कर रहे हैं, हम चाय पी रहे थे और इसमें बिस्कुट थे, पहले यहाँ गिराए इसने, फिर उसे उठा रहा और फिर मुंह डाला, खाए चाय घमायो नहीं। ये देखो कहाँ है सूज, ढूंढो। मैं शिवा को कब से बोल रही सूज ढूंढो अपने, क्योंकि ना उसको ना छत पे से आवाज आ रही है। कहाँ जाना सूज पहन के? वहाँ जाना, तो बैठो गद्दे के ऊपर, गद्दे के ऊपर बैठो, उसको ये पता है कि ये गद्दा है। आपको पता है, चलो सूज बना दू। ये बना दिए, कहाँ वहाँ जाना, वहाँ से ना छत से आवाज़ आ रही, बोल रहा हूँ वहाँ जाना। और अभी बर्तन है धुलने के लिए, तो पहले मैं एक चक्कर, हाँ जा रहे एक चक्कर ना शिवा को घुमा के ले आऊँ, फिर धोऊँगी बर्तन वगैरह। कहाँ जाएँ? वाह शिवा का सिपर छत पे लाई तो थी यार मैं, अब मैंने ना कल के कपड़ों के भी तय है और आज के भी नहीं लगाए, छाती पे छोड़ गया शायद। चलो सिपर लेने जाएं, आओ
चलो हिटी हिटी करो, आओ चलो चलो चलो। बिस्तर ना मैंने लगा लिया, पहले अलग अलग बिखरा बिखरा सा था, मैंने पूरा ही फैला दिया। चलो चलो चलो, तैयार हो रखा जाने के लिए। चलो आराम से उतरो, सो रहा जाने के लिए, थोड़ी देर पहले ही उठा ना। आओ गोदी आओ, मामा गोदी आओ, अब सीढ़ी से नहीं जा पाओगे आप। नीचे आ गए हम छत से, थोड़ी देर छत में रहे, वीडियो नहीं बनाई मैंने। और क्या बोलते हैं, कपड़े हैं, तह लगानी है, सूख गए सारे कपड़े। और यहाँ पे ये भी रखे रहे थे छत पे, तो कल भी सुखाने पड़ेंगे थोड़े से, अभी भी सूखने के लिए मतलब सुखाने हैं। बर्तन है तो बर्तन धोती हूँ। 5 बज रहा है तो हम फिर आज भी घूमने जाएंगे, पहले बर्तन वगैरह निपटा दूँ फिर। तो अभी ना इतने बर्तन धो रखे, पता नहीं शिवा का ना मूड पता नहीं क्या हो गया, मजे से तो आराम से खेल रहा था मजे से, और पता नहीं क्या हो गया। क्या हो गया बेटा, कहवा बता रहा मुंह में, पता नहीं मेरे को लग रहा ना दोनों दांतों के बीच में ना जीभ आ गई इसकी, ऐसा करके ना खेलते खेलते कुछ हुआ है ही वही। कहाँ हुई, कहाँ मुँह में, मुँह में कहाँ, आ करो करो ऐसा लग रहा दोनों मुँह के बीच, वो दांतों के बीच में ना जीभ आ गई, आ जाते ना कभी कभी बात करते करते, खाते खाते, खेलते खेलते। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उसको भगा देंगे भगा देंगे, क्या कर देंगे भगा देंगे। चुप हो गया, बर्तन आधे आधे धुल रखे गया। शिवा का ना मूड खराब सा हो गया, 10 मिनट हो गए सो गोदी में लिए लिए, जाओ खेलो अपनी बोतल ले आओ। मेरा तो बिम लगा हुआ, बर्तन भी वो हो गए। क्या मैं ना पहले से लेटी रही ना, थोड़ा सा थकान थकान सी हो रही थी तो मैं लेटी रही, मैंने इसलिए बर्तन नहीं धुले। अच्छा ये खुल गए, रुक जाओ ये खुल गए की सोच ना। चलो क्या हो गया था मुंह में, दिखाओ अभी दिखाओ करो, अभी ना कुछ ना कुछ हुआ था ना जीभ में। कोई बात नहीं, भाग गया भाग गया दर्द, फू करके भाग जाता है ना। को वहां यहाँ हो गया, वहां बता रहा फोन पे सबको बता रहा, आई हो गई वो, पता नहीं क्या होगा अब तक। चलो आओ पिटी टी करेंगे। चलो कार किसकी है, शिवा की, खेलो कार से। तो शिवा तैयार हो गया है, और घूमने के नाम पे, घूमने के नाम पे मेरे शिवू की कहाँ जाना, घूमने चलना की, चलते हैं घूमने। सूज पहन लूँ जरा मैं, तो जैकेट डाल ली मैंने क्योंकि ठंडा हो रहा है, और सूज पहनती हूँ। शिवा वेट कर रहा मेरा, देख रहा है, पहनो पहनो। दीदी तो हम दीदी के लिए रुके हुए हैं, और शिवा तो गेट के यहाँ पे खड़ा है। क्या कहाँ भोबो, अच्छा वो उधर डॉगी खड़ा है ना कुत्ता, उसको बोल रहा भोबो, वो है उधर है ना बैठो, वो है भाग गया सीधे ही। दीदी भी तैयार हो गई है, आ गई शिवा, ताई का हाथ पकड़ो, चलो ताई का। तो हम दोनों घूम के आ गए हैं, और शिवा ने देखो क्या रूम की हालत करा दी, सिप्पर छुप्पर सब फेंके हुए हैं। अब काम शुरू करते हैं, मैं दूध लेके आई, दूध खत्म हो रहा था, और ये दाल भिगोई है मैंने, मूंग की भिगो के गई थी, मैंने कहा तब तक अच्छे से भीग जाएगी। अरे खेलने लग गया अपना, और बर्तन बर्तन तो धुल दिए थे, और दाल रखूँगी गैस में चढ़ाएंगे, मैं लहसुन वगैरह छिलती हूँ है ना। पहले एक गिलास ना पानी का पी लेती हूँ, पानी प्यास लगती है, आज भी काटना है,
बहुत सारा काम करना है अभी, तो एक की स्पीड से करना पड़ेगा। बस मेरे शिवा का ना मूड ठीक होना चाहिए, मूड ठीक रहे इसका तो सब कुछ हाथ धो लो पहले। मूड ठीक रहना चाहिए इसका। बैठ के पीती हूँ आराम से। प्याज और लहसुन मैंने काट दिए हैं, टमाटर अब काटूंगी इसी प्लेट में बाद में। ये टमाटर ना थोड़ा पका हुआ है, उसे देखना पड़ेगा खराब है क्या है। तो यहाँ पे कुकर ना वो रहा पानी है इसमें, तो आज रहा मैंने कुकर ना ढंग से साफ़ करा, क्योंकि मेरा वो वाला लोहे वाला जूना ना नहीं है, पर मैंने इसी वाले से रगड़ लिया। मैं सोच रही थी मैं लेके आऊँगी, फिर मैं भूल गई। थोड़ा मैंने थोड़ा बहुत ना साफ सा कर दिया, अभी और भी करना है लेकिन ये इतना तो थोड़ा ही है। तो मैं तेल वगैरह डाल देती हूँ। देख लो यहाँ मैं ना वो प्याज टमाटर वगैरह। क्या हुआ? शिवा ने मुझसे टमाटर लिया खा ले, मैंने थोड़ा डांट दिया ना उसको, यहाँ घुस रहा था अंदर, मैंने कहा क्यों जा रहा है यहाँ अंदर, रोने लग गया। आ जा। टमाटर खा लो, आपको अच्छा लगता? वैसे टमाटर ले लिया। अच्छा आ जा। तो दाल चढ़ा दी है मैंने और सारे काम कर लिए हैं, जो भी छोटा ये लगा हुआ है अपना खेल करने में। थोड़ी देर इसने परेशान करा मुझे, फिर मैंने इसको ये पकड़ा दिया। और इसमें मैंने प्याज काट के भी रख लिए हैं और थे इसमें थोड़े से, फिर और काट दिए। तो अभी जोत नहीं जलाई है, जोत जलाती हूँ। शिवा ने देखो क्या कर दिया है, इसका ना इसका ढक्कन भी निकाल दिया, तो हो गए इसके मतलब स्टार्ट क्या बोलते हैं इसको, सिपर के दिन आ गए हैं शिवा खुरापाती वाले। पहली तोड़ फोड़ हो गई सिपर की, और मैं कपड़े संभालती हूँ आज, तो संभालती हूँ भाई, कल भी नहीं संभाले ये कपड़े, आज भी नहीं संभाले। इसने यहाँ सारा पानी गिरा रखा, तो इनको संभाल लेती हूँ। तो मैंने अभी कपड़े संभाले, तो शिवा को ना मेरा पर्स दिख गया। शॉपिंग करने जाना बेटा आपको, तो ऐसे ऐसे मेरा सामान निकाल लेता है हैं। और अलमारी वाले कपड़े तो मैंने संभाल दिए, अब शिवा के कपड़े संभालती हूँ। तो और कल संडे है, तो हमको कल वहीं बड़े मम्मी के वहाँ पे जाना है, तो शिवा के ना कपड़े संभालने के साथ साथ ना बैग में कपड़े भी रख देती हूँ, क्योंकि होता है ना कि सुबह सुबह क्या रखूँ मैं, कपड़े निकले ही हैं इसके आधे बाहर, तो वो भी रख देती हूँ। और वहाँ देखे वो अपना वो कर रहा, दिखाती हूँ मैं। शॉपिंग करने जा रहे आप, हमारे लिए क्या लाओगे मम्मा के लिए, क्या लाओगे, कहाँ जाना, पैसे कहाँ हैं चीजें लाने के लिए, कहाँ हैं पैसे ओह का उधर रखते हैं ना हम पैसे, बोला ओह वहाँ है। वैसे इतने छोटे बच्चे ना मतलब बोल नहीं पाते हैं, वो नहीं करते हैं, लेकिन मतलब हर चीज़ ना गौर करते हैं कि क्या हो रहा क्या नहीं है, है ना। तो शिवा को सब पता रहता है, जैसे हम बोलते ना कि ये कहाँ रखा है, वो चीज़ कहाँ रखी है, तो शिवा भी ना सब कुछ पता रहता है शिवा को। और दाल में मतलब मैंने गैस बंद कर दिया, तो देखूंगी दाल के हालचाल कैसे हैं। और मैं बैग में सामान रखती हूँ, पैकिंग करते हैं। पैकिंग गद्दे के ऊपर आओ, आओ मैं बचाऊँ, ठंडा है आज, मम्मा का कहना मानते हो ना आप? हाँ आ तो आओ, फिर आओ अंदर आओ, वो सिपर रख दो उसके अंदर, पर्स के अंदर ना सिपर रख दो अपना, आओ पहले बैग भी लेके आओ, पर्स भी लाओ, लाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सिपर कहाँ आपका, बैठो यहाँ पे बैठो, नीचे बैठ जाओ, अच्छे से बैठ जाओ। कहना तो मानता है मेरा बच्चा, कभी कभी हो जाता है मूड खराब। मैं बैग निकालती हूँ, मैंने ना उसकी डोरी अंदर डाल दी ना कि शिवा के पैरों में वो हो रहा है, तो मैंने इसको ऐसे करके ना हैंड मतलब वो पकड़ के करवाया, वो बोला मेरे को सही नहीं लग रहा, उसने डोरी निकाल दी, नहीं हो रहा था अच्छा। मैं इसके लिए दूध बनाती हूँ, अब काफ़ी टाइम हो गया, दूध पिला देती हूँ। और मैंने ना बैग कर लिया है पैक, सुबह तब आराम से भी उठो, तो संडे है तो कोई वो नहीं रहती है फिर। पहले मैं सोचती थी ना शिवा थोड़ा सा बड़ा हो जाए 1-1.5 साल का, तो थोड़ी सी मतलब रिलैक्स हो जाएगा,
लेकिन अब तो ही मेरे को ज्यादा थकान हो रही है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है। पहले तक ठीक था, बेड पे ही मतलब बिस्तर में ही रहता था तो, लेकिन अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा ना, तो वही धीरे धीरे फिर बच्चे की वो बढ़ती है ही। वो देखो कैसा लगा हुआ है, आंसू आंखें उसकी भी ना भारी भारी सी हो रखी हैं। तो अभी ना शिवा ने दूध वगैरह पी लिया, तो हम ऐसे बैठे हैं। अभी फिलहाल मेरा कुछ काम नहीं है, दाल बना ली, आटा गूंदा हुआ है और सारे काम हो गए, जो जो सारी जला ली, सब कुछ कर लिया। तो शिवा शिवा को ना थोड़ी देर ना फोन पे ना वीडियो वगैरह दिखाती हूँ, ऐसे मतलब देखती हूँ, मतलब तब बैठा रहता है, नहीं तो इसको बेचैनी बैठता ही नहीं है गोदी में। नहीं, इसमें देखो, सबको जय करो, सबको हेलो करो, हेलो। ये कौन सा तरीका हेलो करने का आजकल नया है? वाह, जय हो रही, अरे यहाँ भी जय हो रही साथ में। पापा कहाँ हैं? वाह, हम दोनों यहीं पे बैठे हुए हैं, सागर का वेट कर रहे हैं। रोटी नहीं बनाई मैंने अभी, ठंडा भी हो रहा, लेकिन स्वेटर पहनने का ना मन, मेरे को तो अभी से नींद आने लगी, थकान। क्या करूँ मैं थकान का, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी ना बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाती है, कभी तो सही सा लगता है, लेकिन एक दो दिन से ना, एक दो दिन क्या, 4-5 दिन से ना थकान ही सी हो रही है। तो पता नहीं अब सिवा बड़ा हो रहा है क्या, और क्या नहीं हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। आया आया रोटी बना ली है, इसमें रख ली, और ये भी वो हो गया, बर्तन भी थोड़ा बहुत थे धो दिया मैंने। और ये कहाँ चढ़ रहा, तू कहाँ जा रहा? इसको चार्जर बिगड़ा बच्चा, पापा का चार्जर निकालना। नहीं मुझे देख रहे यहाँ, नहीं शिवा को ना, ए बैठो यहाँ, दाल प्याज खाना खाना, दाल प्याज उसको रहने दो। हाँ यहाँ आओ, अपनी जगह पे बैठो, मामा खाना देगी आपको। अशिवा ने रूम की हालत क्या करा की, खुश हो गया कि मुझे खा ले। दू दू दे रही हो। और वहाँ चढ़ रहा था ना, तो मैंने ये निकाल दिया था सोफा, तो इसको देती हूँ खाना। पहले ना इसको ना ऐसे वो देती हूँ मैं, क्या बोलते हैं, गिराने के लिए। वो देख रहे क्या कर रहा, क्या हो रहा है, सही से बिछाओ से, क्यों हटाया? वो सोच रहा ना खाना रहता ना, और दिन खाना गिर ऐसे झाड़ता है बाद में। हाँ तो नहीं है, हाँ नहीं है, जब गिराओगे कुछ तभी तो साफ करोगे उसे, पूरा धुल रखा मैंने वो साफ, वो कपड़ा। वहां देखो, वहां क्यों ले गए आप, इधर आओ, वहां बिछाओ से, मम्मा दाल और प्याज देगी आपको, प्याज का शौकीन है ये भी, प्याज देगी, वहां बिछाओ 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 अच्छे से, चलो बिछाओ अच्छे से बिछाओ। तो ये लगा लिया मैंने खाना, प्याज ये चीजें। और देखो क्या कर रहा है, खाओ खाओ, पहले ये ऐसे करेगा, बाद में मेरे को, मैं खिलाऊंगी इसको ढंग से। शिवा ने क्या करा, कटोरी मत लाया, सारे कपड़े देख रहे इसके, अब मेरे खाने पर अटैक ना ना भाई, क्या कर दिया यार, तो समझ में नहीं आ रहा। वो ऐसे फेंक दिया वहां, ये देख रहे, पहले इसको साफ करती हूँ मेरा खाना। तो अभी आए मैं घर पे, बज रहे करीबन 9। शिवू ये क्या करा, कपड़ों ने खाया खाना है? शिवा ऐसे कैसे खिलाया भाई कपड़ों को खाना, कपड़े चेंज करो ऐसे? क्या अब वो क्या करती है, घर का आराम कर, क्या हुआ है? क्या हो गया? मुझको देख, मुझे देख के ना रो रही क्यों?
क्यों परेशान करती है इसको, इसको ना शिवा ने बहुत ज्यादा थका दिया होगा ना आज तो अभी खाता हूँ खाना। खाने में है दाल और प्याज और रोटी। क्या हुआ क्यों मत कर, गम है, गम है भाई। ये देख सिर पे क्यों डाल रखी दाल, सिर पे डाल रखी दाल। हाँ प्याज ले ले चल। खा नहीं खा प्याज, आ करो खाओ ये विनीगर वाले प्याज है ना खा खा शिवा खा ओ तो ये बना रहे हैं अब चाय शिवा देख रहा है देखो खाना भी खा लिया। अजीब सा हो रहा, थकान सी हो रही मुझे बहुत ज्यादा, मन कर रहा ना मैं बहुत ज्यादा रोने का मन जैसा हो रहा इन्होंने मेरे को बोला 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 मुझे रोना आ गया ऐसे डराता है क्या वा? बस हो गया पानी, ये ना मजे मजे में पानी पी रहा है सिपर की वजह से, बिस्किट मामा है, मजे मजे में पी रहा है। हो गया हो गया शिवू, चलो रख दो पापा को दे दो, जाओ दे के आओ, चलो पापा को दे दो। खाना बिस्किट हैं, फाड़ दो पैकेट, शिवा का फेवरेट बिस्कुट, पा ले जी बिस्किट है ना। खाना खा लिया, शिवा के ड्रामे चल ही रहे हैं, तो व्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड नाइट, बाय 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 बाय।